ये है शिव जी। वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। हम लोग आए हैं ओम घाट। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ओम शंकर भगवान की। बहुत बड़ी शिवलिंग यहाँ पे है, शायद 180 सेंटीमीटर की है। आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं और यहाँ पे गंगा भी स्नान करेंगे। और अभी तक सुबह से धूप नहीं निकली थी, बट अब धूप निकल आई है। अब हम लोग गंगा स्नान करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं वहीं पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ओम घाट। ये देखिए पूरा ओम घाट का ये रास्ता है। अभी चलते हैं आगे, मंदिर दिखाते हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे और सारी मस्ती करेंगे, शंकर जी से मिलाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। भाई लोग आए हैं, ठीक है गाइस आइए चलते हैं। ये रास्ता है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे गर्मियों में, और इतना सुकून, इतनी शांति, एक नंबर का मतलब माहौल रहता है। VIP लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। कितनी भी गर्मी हो, यहाँ हमेशा मौसम ठंडा बना रहता है। और यहाँ पे 24 घंटे ओम का जाप चलता रहता है। जो पंडित जी हैं यहाँ पे 24 घंटे ओम का जाप किया करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे संस्कृत विद्यालय खुला हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे खाना पीना सब कुछ होता है, यहीं पे पूजा पाठ करना सिखाया जाता है। देखिए सब ये लोग यहीं पे रहते हैं। ये देखिए यहाँ से है नीचे गंगा स्थल का रास्ता, यहीं से जाया जाता है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ पीछे खड़ी हो जाती है, यहाँ से सिर्फ पैदल जाया जा सकता है, इसके आगे कोई वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, अभी हम लोग भी जाके यहीं पे स्नान करेंगे। आज सोमवार है इसलिए भीड़ ज़्यादा है। इतनी ठंडी में समझ लो सब लोग कैसे, बूढ़े बच्चे सब स्नान कर रहे हैं। हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस जग नहीं पा रहा है, बट हिम्मत है भाई। ये लोग इतने बदतमीज टाइप के लड़के हैं दोनों भाई। अपने पूरे कपड़े लेके आए हैं और हमारे कपड़े नहीं लेके आए हैं। अपने अपने मतलब काम कर लिया, और साला हमसे बताया तक नहीं कि नहाने जा रहे हैं वहाँ पे। समझ लीजिए, बताइए, वो चलते हैं देखें। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है। ठीक है गाइस, फिर हम लोग नहा चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। आइए फिर आपको कराते हैं भोले बाबा के दर्शन। आइए फिर मंदिर घुमाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे तो ये भी पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ भी भगवान है। ये देखिए यहाँ पे बैठने का कितना तगड़ा इंतजाम है। इधर भी बैठो, इधर भी बैठो, पूरा इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। अरे ठंडी अभी भी लग रही है। यहाँ का सबसे गुड बेस्ट प्लेस दिखाते हैं आपको, यहाँ से इतना मस्त, यहाँ का सब दिखता है। ये देखिए ओम घाट का सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे खड़े होकर पूरी इतना सब दिखता है। भाई सवंसु दिख रहा है भाई, वहाँ पे झुको बैठो तो कितनी शांति। आइए सर आपको मंदिर के अंदर लिवा के चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ये देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा ओम का, यहाँ पे 24 घंटे ओम का जाप होता रहता है, इसीलिए इस घाट का नाम ओम घाट। ये देखिए पंडित जी लोग 24 घंटे ओम का जाप किया करते हैं। ये देखिए
ठीक है गाइस, ये देख ली, आई होप आप लोगों ने पूरा मंदिर देखा होगा। और भी आपको बाहर से मंदिर का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए पंडित जी लोग हैं, ये 24 घंटे ओम का जाप किया करते हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए, हमारी याददाश्त में 10 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे 24 घंटे ओम का जाप करते रहते हैं पंडित जी लोग। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वैसे भी यहाँ पे खाना पीना भी होता, मतलब लोग अपने घर से खाना पीना लेके आते हैं, यहीं पे बैठ के खाते पीते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से बाकायदा होता है यहाँ पे। पंडित जी लोगों के रहने का भी इंतज़ाम रहता है, बच्चे भी रहते हैं, आपको जैसे बताया यहाँ पे संस्कृत विद्यालय भी है, संस्कृत विद्यालय की पढ़ाई भी यहीं पर कम्प्लीट की जाती है, सब लोग यहाँ पर रहते हैं, अच्छा खासा सिस्टम है यहाँ पर, इतनी शांति, इतना सन्नाटा रहता है शिव जी के मंदिर पे। यहाँ 24 घंटे ओम का जाप सुनाई देगा आपको, कहीं पे भी कोई हो हल्ला नहीं, सब एकदम शांति से माहौल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुद्ध स्थल है ओम घाट फतेहपुर में। ये भटौरा घाट के पहले पड़ता है, भटौरा में ही पड़ता है ओम घाट। आप लोग आएँ, भगवान के दर्शन करें और आराम से गंगा स्नान करें, बहुत मज़े आते हैं। शिवांशु भाई का पता नहीं किस बात में मुँह बन गया है, हम लोग ने कुछ कहा भी नहीं, बट देखिए इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, बट ये गुस्सा है, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कौन सी गलती कर दी हम लोगों ने कि इनका मूड ख़राब है, क्या बताएं, उतनी देर से हम लोग पूछ भी रहे हैं क्या हुआ, बट देखो पता नहीं क्या हुआ है भाई। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, बाय।